मसला सिर्फ इतना है, ये सच्चाई है कि कोई भी आदमी अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं समझ रहा है। सिर्फ आप आए, आप भी आए, आपने लोगों के साथ कभी मीटिंग की, कभी आपने रामनगर के लोगों को बुलाया कि भाई मैं आ रहा हूँ रामनगर में, आपके आप लोगों की समस्या क्या है, आपने इनके साथ मीटिंग करनी है, इनको इन्होंने आपको क्या करना है, जय हिंद जनाब। आपने ये आपके सवार्डिनेटर सर, ये आपने सवार्डिनेटर, ये जो सवार्डिनेट है, सवार्डिनेट थोड़ा बोल सकता है, आपको समस्या बतानी है, मैंने आपको समस्या बतानी है, पवन देव ने क्या, अनूप सिंह ने बतानी है कि रामनगर में प्रॉब्लम क्या है। रामनगर में कुछ नहीं है सर, आपको मैंने बता दिया एक्सीडेंट, इतना एक्सीडेंट, और मैं आपको बताऊं वो लोग नहीं मरने थे, अगर उनको एयरलिफ्ट किया जाता वो नहीं लोग मरने थे, मगर मरे तो जहां भी जहां भी इतनी एक घंटा तो बेचारे एक को स्ट्रेचर में उधर हिंदे जहां से इतनी शर्म की बात है, एक ड्रामा हो रहा था यहाँ पे, हुआ क्या वो लोड कैरियर आप मुझे बताओ कि जो रामनगर का रोड है, आप रामनगर के रोड से आए हो, क्या ये लोड कैरियर पे जाने वाला रास्ता है, क्या यहाँ पे जो मरीज है वो जा सकता है लोड कैरियर पे, वो तो आधा उधर रास्ते में मर जाएगा। तो आप ये समझें, और रामनगर के लोगों की समस्या आप आए, आप रामनगर के लोगों की एक बैठक बुलाएं कि भाई आपके रामनगर के लोगों की समस्या क्या है। एक्सरे की आपको मैंने बताया, एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड की बताई, आप बाथरूम की बताई कि बाथरूम में क्या क्या होता है, आप बाथरूम देखो ना, आप मेरे साथ चलो अभी, आप आओ दो मिनट में, आप नहीं अभी आओ ना, आप हमारे साथ आप आओ भी हमारे साथ, नहीं नहीं टाइम कोई चक्कर नहीं है, हम टाइम का क्या, टाइम का कोई परेशानी नहीं है, आप आओ मेरे पास, आपकी ड्यूटी है ये, आप कहेंगे ऐसे बोल नहीं सकते कुछ ना, बीएमओ साहब आपको पूछेंगे, बीएमओ साहब ये है नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये बता नहीं सकते, ये समस्या नहीं बता सकते, ये थोड़ा बोल सकते हैं, आप आओ ना दो मिनट हमारे हमारे साथ आओ, आओ आओ आप नीचे, हम जा रहे हैं, आओ आप नीचे, आओ आप नीचे, आप नीचे आओ हमारे साथ आओ, हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि रामनगर में क्या हो रहा है, आपके नॉलेज में होना चाहिए। ये तो जम्मू से ज्यादा हो गया, किसको दे रहा है ये देखने के लिए, कहाँ मिलता है ये, जब भी कोई मरीज बीमार हो जाता है तो बहुत से लगता है वो ये क्या दिखाने के लिए थोड़े है कि इतना बड़ा ये ग्लूकोज लोगों को दिखाना थोड़े है कि इतना बड़ा ग्लूकोज है। अरे भाई ये लोगों को दो भी ना, लोगों को फैसिलिटी दो, लोगों को दो, क्यों नहीं मिलता है ये लोगों नहीं, जो हमारे पास अंतर है वो ठीक है। नहीं नहीं बीएमओ साहब आप तो, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, ये डॉक्टर साहब आए जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, मगर सिर्फ ये चीज़ है कि बाहर से क्यों लेना पड़ता है गरीब आदमी, जो गरीब आदमी है सर रिएक्शन होना चाहिए, रखना होना है, सुनो बर्बाद हो रहे हैं, मुझे बताया ना क्या हो रहा है रामनगर में, रामनगर के लोगों को समझ ना, अरे सर मुझे ये बताओ गवर्नमेंट को छुट्टा लग रहा है, करोड़ों रुपए के हैं ये, हमारे टैक्स से कटे हुए, हमारे टैक्स से आए हुए हैं ये, गवर्नमेंट ने अपनी जेब से थोड़ा दिया, हमने टैक्स दिया हुआ है, तो क्या है, कहाँ जा रहा है, वही नहीं नहीं डॉक्टर साहब है ना, ये काम करते हैं हमें पता है, जितना राशन के पास होता है जितना इनके पास होता है, अपनी जिम्मेवारी ये निभा रहे हैं, मगर इनके हाथ में है क्या, आपने दिया गया है इनको, आप दो ना इनको कुछ दो, आप इनको बाथरूम दिखाता हूँ आपको, देखो ये बाथरूम अगर आपके पास पैसा नहीं है, इनको इनके पास पैसा नहीं है तो क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ऐसा करते हैं ना, राम के सारे लोग आरक्षण करते हैं, हम आपको
ऐसा करते हैं सर, बताओ ना नहीं ना, मैं आपको भाई को बोल रहा हूँ कि पैसे किसने देने, पैसे इन्होंने देने ना। हम शाम को आपके पास आएंगे, सीएमओ साहब ये बाथरूम साफ क्यों नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है। मैं यही तो सीएमओ साहब को पूछना चाहूंगा कि ये पैसे देने किसने हैं, मैंने तो देने नहीं है, मेरे पास तो है नहीं, तो ना मैंने देने हैं, देने किसने हैं ये बताए ना हमें। अभी आप आए ऐसे बंदे को लेकर आए, ऐसे ऑफिसर को लेकर आए जो हमें कुछ दे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीटिंग करके ऊपर एजी साहब को भेजे या हमने फोटो सेशन कोशिश करते हैं हमारे अधिकार में होगा वो हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा आपने ये बोला आपके अधीन में क्या है, आप मुझे ये बताएं आपके अधीन में जो है वो दे दे हॉस्पिटल को, जो आप जो आपको बताइए लेकिन सर आप दस लाख की है सर, दो लख बापू लेखना साढ़ी दस लाख बड़ा ही है, सीधा बोलो हाँ पूरी पब्लिक से भाई फल दस दस रुपए इकट्ठे करते दस लाख उन्होंने आपको नहीं दे, आप बोल दीजिए मीडिया के सामने आपके पास पैसे नहीं है हम इकट्ठा करके देंगे आपको, हम 100-100 रुपया देंगे कोई परेशानी। डिपार्टमेंट ने एक चीज आपके लगाई है तो उसकी एसएससी डिपार्टमेंट ही लगाएगा, डिपार्टमेंट को लगाए हुए 6 महीने हो गए, क्या बात करते हैं। तब ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है सर, देखिए ना आप हॉस्पिटल को जितने मरीज है जो जाएंगे ठीक है ना, उनके पास पैसे नहीं है, वो घर से थोड़ी लगाए 3 महीने के बाद पैसे रिटायर होने के बाद आप लोगों को क्या जवाब दोगे कि मैंने सीएमशिप क्या की है, क्या जवाब दोगे आप। बहुत बुरा हाल है सर, हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं ना, एचडीएफ से इसके पास कौन सी आपने डिसाइड करना है मैंने कौन से पैसे कहां खर्च करने हैं। यही सीएमओ साहब आप देखो अब बात हो रही है ना, आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, थोड़ी माइक कर सीएम उधमपुर आए असें पता चलिया ते पवनदीप सिंह और अनूप सिंह और अस और साढ़े कन्नै साढ़े साथी हॉस्पिटल दे विच पुज्जे, असें सीएमओ साहब की जेड़ा है वो दस्या कि रामनगर दे हॉस्पिटल दे विच के प्रॉब्लम आवदियां के रामनगर दे हॉस्पिटल दे विच होना चाहिए, जियां तुस दिखा दे किन्ना वड्डा रश पेदा रामनगर दे विच, किन्ना रश पेदा और इन्हें मरीजें का के कसूर है कि हॉस्पिटल दे विच अगर आंदे ते एक्सरे विच जेड़ा उन्हें दर्द दर होना पौंदा, अल्ट्रासाउंड दे विच उन्हें दर्द दर होना पौंदा, इन्ना रश पेदा इत्थे मैं आखना कि फिजिशियन दो होने चाहिए, इत्थे बच्चे वाले डॉक्टर दो होने चाहिए, एड्डा वड्डा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिर्फ दसने की जेड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया और हॉस्पिटल दे विच कोई भी जेड़ी फैसिलिटी है वह नहीं दी गई। मैं सरकार अगे ये निवेदन करना चाहना कि साढ़े रामनगर के लोगों की जी हर फैसिलिटी दी जा जी कि एक हॉस्पिटल के होनी चाहिए, रामनगर के लोग भी उन्ना क टैक्स देंदे जिन्ना के बाकी लोग देंदे, मगर असें इस चीज़ का बड़ा शर्मसार होना होना पौंदा कि रामनगर के लोगों की हर वेला जड़ा है वह वेड़ बखरियां समझा जाता, रामनगर के लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जाती। मैं सरकार की यह पूछना चाहना कि आखिरकार रामनगर के लोगों का ऐसा की होता, पिछले दिन मैं तुम्हें बड़े बारी ये चीज़ आखी, पिछले दिन इतने जरा एक्सीडेंट होया, एक्सीडेंट के बच्चे जो लोग मरे गए अगर वो एयरलिफ्ट किए जाते उतुआ का तो शायद उनकी मौत नहीं होती, मगर वो जल्द हॉस्पिटल के बच्चे आने इतुआ का जो एंबूलेंस जी है वह एंबूलेंस नहीं आई, वह बाद जो जो लोड कैरियर जोड़े होंगे लोड कैरियर के बच्चे उन्हें पजाया गया। मैं तुम्हें पूछना चाहना, मैं गौरमेंट की पूछना चाहना कि कहड़ा ऐसा हॉस्पिटल है जितों का लोड कैरियर उपर जोड़ा है वह जरा मरीजें की लोड कैरियर उपर जोड़ा लिता जाता है, लोड कैरियर जी सड़क है सारी सड़क की इन्नी बुरी हालत है हद को ज़्यादा, इतने जोड़ा है बड़े ऐसी ऐसी गड्डिया के बच्चे जो बंद उठ नहीं हूँ तो मरीज जरा जो एक्सीडेंट के बच्चे घायल होता है वो लोड कैरियर उपर गया, बड़े शर्म की गल है। मैं सरकार अगर ये आखना चाहना कि रामनगर के लोगों की जोड़ा है वो
बिल्कुल जिन्या भी फैसिलिटियां तुस दिंदे हो उनेंगी दियो, अगर नहीं दित्तियां गईयां ते रामनगर दे विच आने वाले दिनों दे विच बड़ा वड्डा अंदोलन होना, और जिहड़ा अंदोलन है ओहदी जिम्मेवारी जिहड़ी है पूरी दी पूरी जिहड़ी है प्रशासन उपर होग। जय हिंद, जय भारत।